वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डेली मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह में या फिर शाम में, बट आज ऐसा पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे हो रहा है कि मैं दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी मैं कपड़े डालने आई थी छत पर, तो अभी देख सकते हैं आप लोग कितना तेज़ तेज़ हवा चल रहा है और मौसम कैसा कर रहा है। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, बहुत अच्छा मौसम किया है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ अब चना घुघनी। चना घुघनी आप लोग खाए होंगे, अगर नहीं खाए होंगे तो देख लो आप लोग कैसे बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। तो बस पैन में थोड़ा सा तेल डाली, जीरा डाली, जीरा चटकने के बाद उसमें प्याज डाली, मिर्च डाली, खड़ा मिर्च, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मिर्च नहीं खाता, आप लोग को पता ही है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए सिर्फ खड़ा मिर्च डाल लिया। उसमें टमाटर डाल दी हूँ काट के, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दी ताकि प्याज और टमाटर गल जाए। और इसको बस सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सॉटे करना है। और जैसा आप लोग देख सकते हैं ये सॉटे हो चुका है, तो अभी 2 मिनट और करते हैं। और इधर साइड में मैंने ये चना फूलने के लिए डाल दिया था, तो चना को मैंने निकाल के डाल दिया है। और प्याज और टमाटर वगैरह सॉटे हो चुका था, तो उसमें मैंने चना डाल दिया है। और बस 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल रही हूँ, धनिया वगैरह सब कुछ मिक्स है इसमें। तो बस अब 2 मिनट मसाले के साथ इसको फ्राई करना है। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया है। बस ये तैयार हो जाएगा घुघनी बनके और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, ऐसा आपका मन हो तो। एक हफ्ते पहले से मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना ये चीज़। ये क्या है, आप लोगों को पता है कि मैं कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर ही करती हूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी को लेना हो तो हेल्प हो सके। तो जो भी मैं प्रोडक्ट अगर परचेज करती हूँ ना, वो यूजफुल ही होता। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हर एक आदमी के लिए, हर एक औरत के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या ख़रीदा है ये देखिए, ये मैंने ख़रीदा है हैंड टॉवल। और हैंड टॉवल इस टाइम पे गर्मी के दिनों में कितना ज़्यादा यूजफुल है ये तो आप लोगों को पता ही है। इसको हम लोग मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं, जब आप हाथ धो के आते हो, हैंड वॉश करते हो, तो हाथ पोछने के काम आते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो मेरा पसीना, चेहरे पर कितना पसीना आया हुआ है, गर्मी का दिन है, पंखा ऑफ किया है मैंने और मैं आप लोगों से बात करूँ तो पसीने पोछने के काम आ सकते हैं। बहुत सारे इसके यूज हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप खाना वाना खिलाते हो फिर वो गिराते हैं, तो उसको यहाँ पर रख भी सकते हो या फिर उसका मुंह पोछ सकते हो। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज हैं हैंड टॉवल के। और ये 6 कलर में मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को एक एक कलर। ये देखिए फर्स्ट कलर, ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बना हुआ है ना, बॉर्डर कितना अच्छा बना हुआ है इसका। तो ये है, इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए इसका लेंथ भी काफी अच्छा है। तो ये हो गया पर्पल कलर का। उसके बाद सेकंड हो गया ये देखिए रेड कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेड कलर, कितना लाइट है ना देखिए। ये रेड कलर का हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये ब्लू कलर का है, ये देखिए ये ब्लू कलर का, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हो गया ब्राउन कलर का, ये आप बच्चों को दे सकते हो, ज़्यादा गंदे करते हैं ना बच्चे, तो ये बच्चों को दे सकते हो ये ब्राउन कलर का। ये हो गया हम लड़कियों का फेवरेट पिंक कलर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा ना पिंक कलर, हर लड़की का फेवरेट। ये हो गया पिंक कलर और ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लाइट ग्रीन कलर या लाइट ब्लू कलर, जो भी बोलेंगे। तो ये हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6 तरह का मैंने लिया है, ये देखिए ब्लू, पिंक, ब्राउन, ये डार्क ब्लू, रेड और ये पर्पल। 6 हैंड टॉवल मैंने लिया है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये सारे टॉवल मैंने लिया है स्टामियो ब्रांड से। ये है स्टामियो और स्टामियो न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड है। इसके सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया था अपने ब्लॉग्स में, आप लोग देखे होंगे। इसका मैंने मंगवाया था पपाया जेल और एलोवेरा जेल, ककम्बर जेल, ये सब कुछ मैंने मंगवाया था। और मैं डेली बेसिस पे उसको यूज करती हूँ, जैसे कि मुझे कभी क्रीम लगाने का मन नहीं करता है तो मैं यूज करती हूँ। अभी मैं यहीं पे रखी हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। डेली यूज करती हूँ मैं, लगभग 2 महीने से यूज कर रही हूँ। स्टामियो का हर एक प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
इसलिए मैं स्टामियो कंपनी से ही इसे मंगवाई हूँ और ये बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल जाएगा। और इसके देखिए फैब्रिक की बात करें एकदम सॉफ्ट है और इसका जो है देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पतला है या फिर बहुत ज़्यादा मोटा है, जैसे आप इसको इजिली यूज कर सकते हो, किचन में यूज कर सकते हो, किचन में बहुत ज़्यादा गंदा होता है किचन तो उसको साफ करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर किचन में हाथ वाथ पोछने के लिए यूज कर सकते हो, पसीना पोछने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो ना तो आप मंगवा सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड है स्टामियो, लगभग इसी साल शायद ये लॉन्च्ड हुआ है ब्रांड, और इसके सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, एलोवेरा जेल मैंने आधा यूज कर डाला है, मुझे इसके सारे प्रोडक्ट्स सच में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं स्टामियो ब्रांड के, और इसीलिए मैंने ये टॉवल मंगाया है इसी ब्रांड से। तो आप लोग भी चाहो तो ये टॉवल मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करो इजिली, आपको वहाँ पे आप फ्लिपकार्ट जा सकते हो और जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। बहुत सारे ऐप पे स्टामियो का ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो मिल जाते हैं आजकल। तो ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल, बहुत क्यूट लग रहा है, और मुझे पिंक वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? पिंक और रेड वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, छह कलर है, आप लोग बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। ये है वो एलोवेरा जेल स्टामियो का जो मैं लगभग 2 महीने से यूज कर रही हूँ, भैया के छेका के टाइम से ही मैं यूज कर रही हूँ, हाँ उसी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, उसके पहले से ही लगभग 1.5-2 महीने हो गए होंगे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ आप लोग के साथ पिछले ब्लॉग्स में, जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, इसको आधा यूज कर चुकी हूँ मैं, ये देखिए इसको मैं आधा यूज कर चुकी हूँ। जब भी मुझे क्रीम लगाने का मन नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा करता है ना, तो मैं यही एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हो, बालों में भी लगा सकते हो, और कहीं भी स्किन पे कहीं भी लगा सकते हो, एलोवेरा जेल तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोपहर में जितने कपड़े मैंने छत पर डाले थे ये सब सूखा नहीं है, आधा सूखा हुआ है आधा गीला है, अभी इसको फिर से कल मुझे डालना पड़ेगा छत पर, क्योंकि बारिश होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई शाम में, बहुत कम, मतलब इतना बारिश हुआ कपड़े भीग जाते, लेकिन बिना मतलब वाला बारिश हुआ, तो सारे कपड़े मैं दौड़ के जाके ले आई, लेकिन इसको फिर कल डालना पड़ेगा छत पे, तो फिर इसको कल दिन में डालूंगी। यहाँ पे एक फुंसी निकल गया है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे फुंसी फोरे पिंपल्स वगैरह बहुत निकलते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिपोर्ट्स क्या आया है बताना, तो अभी रिपोर्ट्स आया है बट मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पतिदेव से पूछ के बताऊंगी, या फिर डॉक्टर से जब हम लोग अगली बार मिलने जाएंगे तो फिर मैं उस टाइम बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, ब्लेसिंग दिए बहुत सारे लोग, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्यों परेशान रहती हो, दुखी दिखती हो, तो सारी प्रॉब्लम्स तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, बट कुछ ऐसे बातें होते हैं ना जो मतलब दिल को बहुत दुखी करता है, जैसे कि बेबी को लेके ही मुझे बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत लोग सुनाते हैं, मतलब मेरे शादी को 4 साल हो गए, और 4 साल में मेरे साथ जितनी भी लोगों के शादी हुए थे ना, सबके बेबी हो चुके हैं, मैक्सिमम सबके बच्चे हो चुके हैं, तो जो भी मेरे रिलेटिव्स मिलते हैं या फिर कुछ अपने जो कुछ दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं वो लोग भी, कुछ अपने आसपास के लोग जो हमेशा इसी चीज़ पे वार करते हैं मेरे बच्चे को लेके ही, कि अभी तक तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, शादी को 4 साल हो गए हैं, तुम्हारे साथ जितने लोगों के शादी हुए थे सबके बच्चे हो गए, मतलब पूछ पूछ के जिससे भी मैं फ़ोन पे बात करूँ या फिर सामने मिल जाऊँ, सब लोग यही पूछेंगे, तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उस समय बहुत दुख फील होता है, बट कोई नहीं, जिसका जैसा सोच है वैसा बोले, कोई बात नहीं। और बस कुछ लोगों की तो मतलब मुझसे 8 साल 10 साल बड़ी बड़ी बेटियां होती हैं, फिर भी उनके ऐसे सवाल होते हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है कि अपनी बेटियों की तो शादी भी नहीं है, दूसरे से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछो, बट कोई बात नहीं, और सब ठीक है, जैसा भी होगा आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्या आप मेरे ब्लॉग्स में आना पसंद करेंगे?
हाँ तो आते क्यों नहीं है? आएंगे कल से, कब आएंगे? कल। कल से? रोज यही बोलते हैं, कल से आऊंगा मैं, अभी लूंगी आपको। मैं अरे बाबा मैं आराम से बैठा दिन हूँ। भर ऐसे तैयार होके बैठी थी और फिर रात में इनके आने का टाइम हुआ, जैसे इन 9 बजा, मैं सोची 9:30 बजाएंगे क्योंकि डेली 9:30 बजाते हैं। तो जैसे ही इनका आने का टाइम हुआ, लिपस्टिक मैंने फिर से लगाया पगलू, और फिर से मैंने पाउडर भी लगाया, नहीं तो फिर वो खराब हो गया था, एकदम खत्म हो गया था, तो फिर से मैंने लगाया। डिनर बनाने गई थी किचन में, पसीना सारा खराब हो गया, फिर मैं आई, फिर फेस वॉश करी, उसके बाद फिर से लिपस्टिक लगाया मैंने, फिर से पाउडर लगाया मैंने, फिर से कंघी किया मैंने, लेकिन एक बार भी तारीफ नहीं की कि तुम अच्छी लग रही हो, चाहे कुछ तुम भी वीडियो नहीं। बनाने में बिजी थी तो पहले मैं सोचा वीडियो बना लेने दो। नहीं तो मतलब आप यहाँ पे तारीफ नहीं कर सकते, आप लोगों के सामने ये तारीफ नहीं कर सकते हैं? नहीं, और तारीफ हमेशा प्राइवेट में। हाँ, तारीफ प्राइवेट होना चाहिए और लड़ना चाहिए वो पब्लिकली, है हाँ ना? लड़ना होगा ना, तब नहीं देखेंगे कि मैं किसी और के सामने नई लड़ाई करूँ, तो फिर हाँ दुनिया के सामने लड़ लेंगे, लेकिन जब तारीफ करने की बात होगी ना, तो फिर वो प्राइवेट होगा। ऐसा क्यों भाई? जब आप लड़ सकते हैं सबके सामने, तो फिर तारीफ भी सबके सामने कीजिए। नहीं एक तो ब्लॉग्स में हमेशा नहीं आते, आप जो सोचते हो बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है ये वो, कुछ नहीं, बहुत मतलब ऐसा रेयर केस में होता है कि मतलब अपने से आना चाहते हैं, अदरवाइज मैं जबरदस्ती का लेती हूँ इनको। अभी साइड में बैठे हुए, लेकिन आएंगे नहीं, मैं दिखा दूंगी आपको। टी शर्ट नहीं नहीं पहने इसीलिए नहीं आ रहे हैं, दिखा दूँ पगलू मैं आपको, मैं नहीं दिखा दूंगी। मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, एनी टाइम गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ। व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड का मैसेज चेक कर रहे हैं। तो चलिए फिर, मैं अभी डिनर डिनर लाने जा रही हूँ पति देव के लिए, क्योंकि इनको भूख लग गई है, 9:30 हो रहा है, आज ये थोड़ा जल्दी आ गए थे, 9 बजे ही आ गए थे, आज नहा धो लिए हैं ये, और वेट कर रहे हैं कि कब मेरी बीवी खाना ला के देगी, है ना पगलू? तो चलिए पहले मैं खाना वाना खा लूँ, और उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोना है बहुत सारा, आज पगलू बर्तन धोएंगे, है ना? हाँ ठीक है तो दोनों। झूठे, आप लोगों के सामने सब कह रहे हैं लेकिन धोएंगे नहीं। कुछ नहीं अभी मेरे को बहुत बर्तन धोना है। धोते धोते रात हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो देखते देखते बीच में से भाग जाओगे, है ना पगलू? गाना गा गा के काम करती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा कि मैंने काम किया, तो शांत बोरिंग बोरिंग से काम करती हूँ, तो मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल, इसलिए मैं गाना गाते हुए काम करती हूँ, है ना पगलू? अब पगलू को पकाती हूँ मैं गाना गा के, है ना? नहीं आपको मेरा गाना कैसा लगता है? ठीक लगता है। ठीक लगता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक लगता है। चलिए फिर गाइस, इस ब्लॉग को भी पेंट कर दे रहा, नहीं तो आप लोग सो जाओगे वीडियो देखते देखते। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय जय भारत।